ईसीएल के कुंजतोड़िया एरिया के नारायणकुड़ी ओसीपी में हुए धसान की चपेट में आने से दबकर मारे गए तीन लोगों के शव को बरामद कर लिया गया है। गुरुवार सुबह तीनों शवों को बरामद किया गया। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानीगंज थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। रानीगंज थाना व ईसीएल के कुंजतोड़िया एरिया के नारायणकुड़ी ओसीपी में हुए धसान की चपेट में आने से दबकर मारे गए तीन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गुरुवार सुबह तीनों शवों को बरामद किया गया। मृतकों की पहचान रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम के रहने वाले समीर बावरी, न्यू एग्रा ग्राम के पोदारपाड़ा के निवासी सुरजीत सेन और जामुड़िया के परिहारपुर के रहने वाले दिनेश रुईदास के रूप में हुई है। ओसीपी में धसान की चपेट में आने से अभी भी और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक उन्हें बरामद नहीं किया जा सका है। इस बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी अर्थात डीजीएमएस के एक टीम ने ईसीएल अधिकारियों के साथ नारायणकुड़ी ओसीपी के घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस भी कैंप कर रही है और इस पूरी घटना की छानबीन में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस घटना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बुधवार की देर रात ही दुर्घटना स्थल पर पहुंची। रात में ही साहिबगंज मोड़ के पास विधायक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया। विधायक अग्निमित्रा पाल खुद बीच सड़क पर बैठ गई और प्रदर्शन में शामिल हुई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईसीएल के नारायणकुड़ी ओसीपी में विभिन्न इलाकों से लोग कोयला निकालने के लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि कोयला निकालने के दौरान अचानक ओसीपी में चाल धस गई और धसान की चपेट में आने से कई लोग दब गए। इस घटना के बाद बुधवार रात भर ओसीपी में दबे लोगों की तलाश की गई। रात भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद गुरुवार सुबह तीन लोगों के शव को बरामद किया जा सका। इसके बाद विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रानीगंज थाने का घेराव किया। विधायक पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ थाने के समक्ष धरने पर बैठ गई और इस घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन एवं ईसीएल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस की मदद से ईसीएल के नारायणकुड़ी ओसीपी में कोयला चोरी हो रही थी, इसी वजह से ये घटना घटी है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि अगर कोयला चोरी पूरी तरह से बंद नहीं होता है तो बीजेपी और जोरदार आंदोलन करेगी। मृत्यु हलो तार कम्पेंसेशन दीते हबे। আজকে চোলাই মদকে মানুষ মারা গেলে মুখ্যমন্ত্রী আপনি 2 লক্ষ টাকার কম্পেনসেশন দেন, আর এই মানুষগুলো তো পেটের দায় কয়লা তুলতে গেছিল, এনাদেরকে 5 লক্ষ টাকা করে কম্পেনসেশন দিতে হবে। নিচে তো এসে এই দাবিতে আমরা আজকে এখানে বসে আছি। কম্পেনসেশন দিতে হবে এই 7টি পরিবারকে যাদের মানুষ মারা গেছে, এবং জানি না আর কত মানুষ ভিতরে পড়ে আছে, কেউ জানে না, ভিতরে আরো অনেক মানুষ চাপা পড়ে আছে। কালকে SDRF এসছে, হাজার বলার পর SDRF এসছে, কিন্তু SDRF স্টেট ডিজাস্টার রেস্কিউ ফোর্স তারা একটা ডেড বডি বার করে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে, কারণ তারা বলছে তাদের নাকি কোনো সরঞ্জামও নেই আর তাদের নাকি সেই এক্সপার্টিসও নেই। কিসের জন্য নাম দিয়েছেন SDRF? রামবাবু যাদব কে সাথে বিপ্লব বাদকর কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন, এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসযোগ্যের জন্য স্কুল কলেজ হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে, তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা, তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের। নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট।
বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন ড্রিম ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে।